तो आज इस प्रेस वार्ता के अंदर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री पुनिया जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब, राजेंद्र राठौर जी, सरुण चतुर्वेदी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परिणामी जी, हमारे सामाजिक मंच, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी को, कटारिया जी को, राठौर साहब और राहुल जी को। इन्होंने जैसा लोकसभा के अंदर गठबंधन करके नागौर की सीट आरक्षण के लिए छोड़ी और मिशन 25 के बाद इसी जगह जब गठबंधन हुआ था ये बात हुई थी 25 सीट कांग्रेस राजस्थान को लड़ाएंगे, और मैंने इन वरिष्ठ नेताओं के साथ बात की तो दिल्ली के अंदर हम आपके साथ हैं, हम राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस मुक्त राजस्थान चाहते हैं जैसा भारत कांग्रेस मुक्त भारत हुआ था। और इन परिस्थितियों के अंदर आर एल पी से क्योंकि मैं विधायक था, एम पी बीजेपी के सहयोग से बना, तो आर एल पी को आप फ्यूचर के अंदर मदद करें और आर एल पी मजबूती के साथ मंडावा खाकर भारतीय जनता पार्टी की रात और दिन देख रहेगी और दोनों सीटें कांग्रेस को हरा के जो राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जो आज हालात है राजस्थान के अंदर, आज सिर्फ अशोक गहलोत अपने बेटे की बेरोजगारी को खत्म करने में लगे, उसको आज सीएम साहब चेयरमैन बनाना था, उसका उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन वैकेंसी निकली, कानून के हालात आप ले जाओगे, जिस तरह बेरोड थाने के अंदर घटना हुई, एक रिपोर्टिंग से हम लेके और एक हार्ड कोर अपराधी को छुटा के लेके, और सारा जो फोकस है सीएम का, सबसे बड़ा करप्शन होता है राजनीतिक भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में उन्होंने 6% पाप के विधायकों को जो हाथी की सवारी करके विधानसभा के अंदर आए थे खरीद फरोख करी, ये खरीद फरोख 10-11 के अंदर की उन्होंने करी थी, ये उनकी पुरानी आदत है राजनीतिक भ्रष्टाचार की, और प्रदेश के अंदर ऐसा लग रहा कि अधिकारी सरकार चला रहे, तभी 24 सीएम हो गए और सुपर सीएम देवाराम हो गए प्रदेश में, ऐसा नजर आ रहा हम लोगों को राजस्थान। तो इसके लिए आवश्यकता कब कांग्रेस को एक बार हराएं, फिर निकाय चुनाव के अंदर पंचायत राज के चुनाव के अंदर भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही भरोसा दिला सकता हूँ, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेरे ऊपर नागौर गठबंधन के समय किया था, मैंने भी पूरी ताकत कम से कम 12 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर प्रचार किया, पूरी आरएसपी की टीम लगी, इतना ही भरोसा मैं दिलाता हूँ जो आपने विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया कि उसकी सीट तो बड़े मार्जिन से जीतेगी। मंडावा की सीट भी 20 से लेकर 40,000 की ज़्यादा, इस बार ऐसा करंट धारा के अंदर लोकतंत्र है, प्रदेश के लोकतंत्र है, देश के नौजवानों के अंदर है, और राजस्थान की सरकार के वजह से यहाँ लोग त्राईमाम कंपनी नहीं है, जो हालात बद से बदतर यहाँ पे हो गए, जिस घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस राजस्थान करना है कि वो एक भी पूरा अभी तक न कर पाए, आपसी बहुत बड़ा झगड़ा है इनके अंदर है, इसलिए हम मिलकर इस लड़ाई को करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा दिल्ली के नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का, जो विशेष समय इन्होंने मेरे साथ रखा, और मैं तो चाहता ही था गठबंधन, क्योंकि मैं तो बीजेपी से निकला था, गठबंधन का पूरा बंधन ही हमारा तो वैसे तक जाएगा।